तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोकस के बारे में पढ़ लिया था, लेंस के फोकस के बारे में पढ़ लिया था कि लेंस के पास यस दो तरह के फोकस होते हैं, है ना? एक होता है यस हमारा फर्स्ट फोकस, एक होता है हमारा फर्स्ट फोकस, और एक होता है सेकंड, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस। सेकंड वाले को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? और सर ये प्रिंसिपल फोकस भी कहलाता है, और इसे ही हम क्या कह देते हैं, सेकंड फोकस भी कह देते हैं इसी को। इसी को हम लोग कह देते हैं सेकंड फोकस, ठीक है ना? ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, और मैंने इनको यस बाकायदा डायग्राम बना के आपको शो किया था कि फर्स्ट फोकस कैसे बनता है और यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल फोकस कैसे बनता है। ठीक है, यस प्रिंसिपल सर फोकस ही डिसाइड करता है कि किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और किस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। क्या लिख सकता हूं मैं, इट डिसाइड्स द, या ऐसे लिख लो कि मतलब समझ लेना यार कौन, अब पूरा लिखने का क्या ही मतलब है, समझ तो गई होगी कि मतलब यस यही डिसाइड करता है कि कौन से लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कौन से लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो रही बात? यस सर अरे यार ये ऊपर क्यों चला जाता है बार बार, इसको पिन करो। कर दिया पिन। हाँ तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि कॉनकेव लेंस की बात की जाए, तो कॉनकेव लेंस के लिए बताओ आप फोकल लेंथ कैसी होती है उसकी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है, तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि अगर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में हुआ या राइट में हुआ? इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में हुआ या राइट में हुआ बताओ। सर राइट अरे यार ऐसे राइट में हो गया, सोचो ना, प्रिंसिपल फोकस की बात हो रही ना, प्रिंसिपल फोकस ही फोकल लेंथ बताता है, और प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ बताता है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में नहीं होगा, यस सर है ना? तो इसके यस अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस जो भी होगा इसका, तो वो कहाँ हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस इज एट लेफ्ट साइड। इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। बात आ रही समझ? यस सर और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, जल्दी से बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो बताओ इसका प्रिंसिपल फोकस राइट होगा कि लेफ्ट में होगा? सर राइट इसका हो जाएगा राइट में। सो क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल फोकस इज एट राइट साइड, प्रिंसिपल फोकस इज एट राइट साइड ना? मेरी यस बात सर क्लियर होगी इतना? यस सर ओके तो ये हम लोग इतना लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो और ना आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंस फॉर्मूला, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंस फॉर्मूला। भाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये हमको आज यहाँ पे जानना है, ठीक है? बात आ रही यस समझ? तो यस सर लेंस फॉर्मूला कैसे जानना है वो समझने के पहले पहले मैं डायग्राम बना दूं, उसको आप कोशिश करो समझने की। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लेंस फॉर्मूले के बारे में जानना है, तो यार सबसे पहले तो मैंने एक लेंस बना दिया, देखो काम चलाऊ, एक लेंस हमने ये बना दिया जिससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? और यस बाकी मैं सर देखो एक अपनी ट्यूशन मैंने लगवा ली है पेंटिंग की, उससे मैं पेंटिंग सीख रहा हूँ, ठीक है? क्या ही कर यस सकते हैं, जब सर नहीं आता बनाना पेंटिंग क्या करेंगे, सीखना पड़ेगा अलग से जो है, ठीक है? तो ये क्या हो गया यार, लाइन कहाँ से आएगी, ये आ गई। हाँ तो यहाँ पे मान लो कि ये, अरे ऑब्जेक्ट उल्टी बना दी, यहाँ पे मानना कि ऑब्जेक्ट रखी है, ये क्या रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है? ये रखी हुई है एक ऑब्जेक्ट, अरे हाँ तो ये रखिए एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का नाम हमारा कितना है, ए भी नाम है इसका, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए भी नाम, ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट जाएगी पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे मिरर में जाती थी, याद है आपको? यस सर तो जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होगा बताओ, याद करो अब, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती तो क्या होता है? अरे फोकस से होके गुजरती है यार, पता नहीं क्या करते हो तुम।
रिवाइज रिवाइज नहीं करते हो क्या? रिवाइज करो यार, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यस हाँ ये तो यहीं से लपड़ लगाएंगे फेंक के। सर ऑनलाइन डिजिटल वाला एकदम मस्त फील होएगा फिर, समझ लियो। ठीक है यस सर तो रिवाइज करो यार, ऐसे काम चलेगा नहीं यार, ये चीजें तुम भूलोगे अगर तो कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक है ना, रिवाइज करो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट जाती है तो ये हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये लाइट यहाँ से जाएगी, इस तरह से जाएगी, तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा फोकस हो जाएगा। और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है ये? ये तो बताओ पहले, विच लेंस इज दिस, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स ना, यस सर ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। और जल्दी से बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? सर राइट अरे तुक्का मत लगाओ, कैसे पता राइट में होगा ये बताओ। कैसे पता है कि राइट में होगा? अरे यार तुम कर क्या रहे हो, मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं आज, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या समस्या है? क्यों भाई? अरे यार अभी तो मैंने बताया था भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कौन यस सर सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ डिसाइड कौन करता है? प्रिंसिपल फोकस करता है। यस सर तो अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है और ये डिसाइड करा प्रिंसिपल फोकस ने, तो ये पॉजिटिव राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? है लेफ्ट में कैसे हो जाएगा राइट वाला, पॉजिटिव है यार। अरे यार क्या है, अरे यार ये ओरिजिन है, ओरिजिन का राइट साइड होगा ना पॉजिटिव। अब ये भी बताना पड़ता है क्या? क्यों वंश, यस सर क्या तबीयत खराब है क्या यार? पहले तो ये अपना कैमरा ऑन करो तुम। सर कैमरा नहीं है रहा सर ऑन हो रहा है? ऑन नहीं हो रहा। ऑन पर स्क्रीन दिखा रहा क्या मतलब, क्या समस्या क्या आ रही है तुम्हारे साथ, मतलब क्या है, दिक्कत क्या आ रही है आज तुम्हें? सोयो ही नहीं क्या रात में ढंग से? नो सर फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है यार, मतलब कर क्या रहे हो तुम? जो है इतनी आसान आसान सी चीज नहीं बता पा रहे तुम। मैंने तुमसे क्या पूछा है, सुनो मेरी बात अच्छे तरीके से सुनना, आपकी बार सच बता रहा हूँ, लपड़ यहीं से सर लगाऊंगा। ठीक है सुनो, मैंने तुमसे पूछा कि कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन डिसाइड करता है, कौन सा फोकस डिसाइड करता है, फर्स्ट फोकस या प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल फोकस राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? राइट में ऑब्वियस सी बात है राइट में होगा। कहाँ होगा? राइट में होगा, तभी तो पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो लेफ्ट में नहीं हो जाता, राइट होता यस है ना पॉजिटिव एक्सिस। तो बस यही तो पूछ रहा हूँ मैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही? जो है आसान सी तो चीज है। हाँ यस हाँ यार, सुबह से तुम जो है गुस्सा दिला रहे फालतू। तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस ही तो हुआ, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। जब यस इसकी सर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका प्रिंसिपल फोकस राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? सर राइट में राइट में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे बताओ कि ये वाला जो फोकस मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला प्रिंसिपल फोकस है या फर्स्ट फोकस है, ये बता दो मुझे। सर प्रिंसिपल फोकस बहुत बढ़िया यार, अब तुम सही जा रहे हो।
तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस को ही हम क्या कहते हैं, सेकंड फोकस कहते हैं। याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैंने बताया था याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें ये चीजें बताई, याद करो वो दिन। यस सर। याद आए वो दिन? यस सर। ठीक है, अब इससे एक लाइट और गई, ये लाइट गई है फोकस से होके। अब ये लाइट अगर फोकस से होके गई है तो ये लाइट मैं किस कलर से बना दूं? इससे चलो, ये लाइट गई है फोकस से होके तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये सब मैं मिरर में बता चुका हूँ, ये हर एक चीज मैं मिरर में बता चुका हूँ। आ रहा याद? ये सब कुछ मैंने मिरर में बताया है, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी इमेज। ये देखो इमेज बन गई, दिस इज द इमेज। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये वाला फोकस, ये वाला पॉइंट भी तो फोकस है, तो ये yes, मुझे बता दो कि ये फर्स्ट फोकस हुआ या सेकंड फोकस हुआ? सर फर्स्ट। फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फोकस, जिसको हम बोलेंगे F1। ठीक है, ओके गुड, सॉरी। अब ये वाली ब्राउन कलर की जो लाइट है, इस ब्राइट लाइट का नाम हम क्या रखेंगे, इस लाइट का नाम क्या है? चलो इस लाइट का नाम मैं बाद में पूछता हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि ये जो पिंक कलर से ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ये ए बी क्या है, ये बताओ आप, ए बी क्या है? ये ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर, मिरर तो नहीं मतलब लेंस मान लो ऐसे, अब मैं एक ही यहां से बना पाऊंगा, ऐसे मान लो ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट इसके सामने रखी है। ठीक है, तो वैसे ये ए बी है, ए बी क्या है, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट विच इज कैप्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? ओके, अब ये जो येलो कलर से लाइन बनी है और ब्लू कलर से लाइन बनी है, येलो कलर से जो लाइन बनी है और जो ब्लू कलर से लाइन बनी है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये बताओ, नाम क्या है इन लाइन का, पता है इन लाइन को हम क्या बोलते हैं, पता है क्या आपको? इनको बोलते हैं इंसिडेंट रे। सब बता चुका हूं यार, तुम जो है सब खा पी गए, सब तुमने खा पी के एक तरफ कर दिया, खत्म कर दिया जो है, ऐसा ही है। इसके बाद ये जो ब्लू कलर तो नहीं है, ये कौन सा कलर है, ये स्काई ब्लू है और ये ब्राउन है, तो स्काई ब्लू कलर और ब्राउन कलर, इन लाइट को क्या बोलेंगे, बताओ इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो दो चीजें पूछ रहा हूं मैं तुमसे, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्लेक्शन दूसरा रिफ्रैक्शन, कौन सा फिनोमेना हो रहा है बताओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर फर्स्ट। अबे यार मिरर है क्या ये? नो सर। फिर रिफ्लेक्शन तो भाई साहब मिरर से होता है, होता है कि नहीं? यस सर। ये तो लेंस है, लेंस तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है भाई साहब, और ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन कब से होने लगा ट्रांसपेरेंट मीडियम से? अगर आंखों में लेंस लगाए हो कि नहीं, चश्मा लगाए हो तो रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट आ रही ना अंदर आंखों में, तभी तो चीजें देख पा रहे हो, कि वो लेंस से टकराई लाइट और लौट गई वापस, तो फिर चीजें दिखाई थोड़ी देंगी तुम्हें। Yes, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? रिफ्लेक्शन। हाँ रिफ्लेक्शन, सेकंड वाला ना? यस। हाँ, तो यहाँ पे ये लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इस लाइट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ डिस्टेंसेस के ऊपर, डिस्टेंसेस लिखना है। चलो सुनो, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर है,
ये ऑप्टिकल सेंटर है। मैंने बताया था कि जो काम लेंस में ऑप्टिकल सेंटर का है वही काम मिरर में पोल का होता है, याद आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा और ए से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ए इज एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या होती है यू। अब कह दो सर मैं भूल गया ये क्या होता है यू, व्हाट इज यू। चलो यू का नाम बताइयो क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक तो सही बताया यार। चलो यहां पे बन गई है इमेज तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी वी, तो बताओ जल्दी से वी क्या होगा। इमेज इमेज डिस्टेंस, और इस लेंस की फोकल लेंथ एफ है मान लेते हैं, तो एफ इसका क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, एफ इसका हो जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब भैया क्या होगा, अब हम इसमें लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। कोई डेरिवेशन हमको करना नहीं है क्योंकि जितना काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, हालांकि डेरिवेशन हो जाता है सिंपल है, कोई कठिन नहीं होता है, सब 12th क्लास में कराए जाएंगे ये आपको, ठीक है। जो भी पढ़ाएगा वो कराएगा, परेशान मत होना। तो ये हो जाता है लेंस फॉर्मूला, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला होता है, मुझे आप बता दो कि ये मिरर फॉर्मूले से कैसे डिफरेंट है लेंस फॉर्मूला। अच्छा सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इतने का, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। Yes, हो गया क्या? Yes, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मिरर फॉर्मूले से कैसे डिफरेंट है, या तो सबसे पहले मुझे आप मिरर फॉर्मूला सुना दो, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा इसको मैं इरेज कर दूं क्या सब कुछ? Yes, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये गायब हो गया तुरंत, एक ही बार में गायब हो जाता है जो है। हाँ तो लेंस फॉर्मूला जो हम लोगों ने फाइनली फाइंड करा है, तो लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल दिया, 1/f = 1/v - 1/u, ये हम लोगों ने यहाँ पे लेंस फॉर्मूला निकाल लिया है। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि मिरर फॉर्मूला जो होता है वो मैंने आपको क्या बताया था, मिरर में रिफ्लेक्शन में मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बताया था। Yes, sir. तो याद है कुछ कि क्या बताया था फॉर्मूला, याद है कुछ? सर ये सेम होता है, सेम थोड़ी था यार, कुछ तो अलग होगा, अभी तो मिरर और लेंस नाम दे रहे हैं, सेम होते तो अलग अलग नाम क्यों देते, एक ही इंसान को दो नाम देंगे क्या, अलग अलग इंसानों को दो नाम दिए जाते हैं, अगर सेम होते उनको अलग अलग नाम क्यों दिए जाते कभी उसको लेंस फॉर्मूला बोलेंगे, कभी उसको मिरर फॉर्मूला बोलेंगे, वाह मतलब कैसे काम चलेगा। अब क्या हो गया तुम्हें, तबीयत खराब लग रही है, क्या चल रहा है, जीवन के आनंद नहीं आ रहा लग सकता, आनंद लो यहाँ पे, ये है जीवन के आनंद, ये मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला, समझ रहे हो क्यों जी? यस सर। हाँ बताओ जल्दी से मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर। सर सब है क्या सर, 1/f = 1/v + 1/u। गुड, प्लस हो जाता है यहाँ पे माइनस की जगह पे, तो ये हो जाता है हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करा था लीनियर मैग्निफिकेशन, याद आ रहा? यस सर। यहाँ हम लोगों ने फाइंड करा था लीनियर मैग्निफिकेशन, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग फाइंड करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, इससे क्या हमारी दुश्मनी है जो हम लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड ना करें, बिल्कुल करेंगे मैग्निफिकेशन। बस फॉर्मूला आप मुझे बताओगे मिरर वाले के लिए और लेंस वाले के लिए बताऊंगा मैं,
इसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था, एम से शो करते थे, इतना मैंने हिंट दे दिया आपको, बताओ। इतना हिंट पर्याप्त है यार, ज्यादा हिंट नहीं अच्छी लगती, फिर मजा नहीं आता, फिर हिंट का मतलब ही क्या निकलता है जब सभी बता दूंगा, ज्यादा हिंट सर भी। अपॉन बिल्कुल सही है, तो घबरा क्यों रहे हो जो है, बताओ ना ढंग से। हाँ क्या है बोलो। सर एक और भी तो होता है कुछ, वो याद नहीं है नहीं, पहले एच वाला तो बताओ ठीक से, एच वाला क्या बताया। जो। एच क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। HO HO अपॉन एच आई। अरे HO अपॉन HI यार उल्टा काहे बोल रहे हो भाई, ऊपर इमेज आता है नीचे ऑब्जेक्ट, याद रख लो, ऊपर इमेज नीचे ऑब्जेक्ट। बोलो Yes. पांच बार, बोलो पांच बार, एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ, बोलो पांच बार बोलो। हाँ HI वेरी गुड, भूलना नहीं अब ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला और हो जाता है भैया, माइनस वी अपॉन यू, क्लियर। यस सर अब यहां पे क्या होगा, यहां कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ये तो वही रहेगा, एच आई अपॉन एच ओ तो वही रहेगा। ये एच आई और एच ओ क्या होता है, ये तो पता होगा मेरे ख्याल से, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, यहाँ ऑफ, मेरी फोटो तो नहीं आ रही यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ये। हाँ यस सर और ये नीचे क्या आ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ तो ये सेम रहेगा, बट ये वाला बदल जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ रहा है। देखो यार हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, माइनस का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे इसमें प्लस था तो यहाँ पे इसमें देखो क्या हो गया, ये माइनस हो गया, अब यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे अब ये क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस का वी अपॉन यू, बताओ कोई डाउट। सर तो याद रखना कि मिरर फॉर्मूला अगर तुमने याद कर लिया, और मिरर के लिए तुमने लीनियर मैग्निफिकेशन अगर याद कर लिया, तो तुम्हारे फिर लेंस फॉर्मूला और लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन तो अपने आप याद हो गया यार, क्योंकि मिरर में प्लस था बीच में, यहाँ तो यहाँ माइनस हो गया, ये देखो। और यस मैग्निफिकेशन में, मिरर के मैग्निफिकेशन में यहाँ माइनस था तो फिर इसमें प्लस हो गया, उल्टा चल रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है, देखो यस सर याद रहेगा। यस सर ठीक है, अब सुनो दो फॉर्मूले और निकालेंगे। यस सर चलो दो फॉर्मूले और निकालते हैं, हमको लेंस फॉर्मूला तो पता है, बाय लेंस फॉर्मूला। अरे हाँ, अरे यार ये टेबल जो है, हाँ तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। बेटा दोनों साइड मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं यू से, आया मैं दोनों साइड यहाँ पे यू से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय यू बोथ साइड्स, ठीक है। तो यस सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वन जा यू हो जाएगा, और अपॉन में तो एफ है ही पहले से, यहाँ पे हो जाएगा ये यू अपॉन वी, और माइनस का हो जाएगा यू अपॉन यू, ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर अब आप इसमें देख सकते हो भाई साहब के, ये देखो आप यू से यू कैंसिल हो रहा है, एक बार यू वन जा यू होता है, ये यू की टेबल है, पढ़ो यू वन जा क्या होता है, यू वन जा यू और यू टू जा, टू यू यू फोर जा, वेरी फोर यू गुड, यू की टेबल आती है, देखो पढ़ी है यू की टेबल कभी बचपन में, लेकिन नो आती सर तो है, आती तो है, देखो मतलब जो चीज पढ़ी नहीं वो आती है, जो चीज पढ़ रहा है वो आती नहीं भाई साहब, आप तब क्या हो यार, क्या बात है, मतलब जो चीज पढ़ी नहीं वो आती है, जो चीज पढ़ रहे हो वो आती नहीं, मतलब उल्टा सिस्टम है, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है,
अब लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने आपको अभी बताया, कुछ ही पलों पहले, कुछ ही क्षणों पहले बताया था, कुछ ही टाइम पहले, अभी 2 मिनट हुए। लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने लेंस के लिए आपको बताया है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो प्लस का आएगा, आएगा, याद है? यस सर। एम इक्वल टू वी अपॉन यू होता है प्लस का। यस सर। तो जब ये एम इक्वल टू वी अपॉन यू है तो यहाँ तो यू अपॉन वी लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे अब इस u अपॉन v को, बताइए जरा। ये तो u अपॉन f ऐसे ही रहेगा, चलो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, u अपॉन v की जगह आप क्या लिखोगे बताओ। हाँ बताओ भाई। अरे यार सोचो ना, ये जैसे m अपॉन वन है ना, तो m अपॉन वन है v अपॉन u, तो हमको उसका उल्टा चाहिए ना, u अपॉन v चाहिए हमको। u अपॉन v को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? वन अपॉन m इज इक्वल टू u अपॉन v। बिल्कुल सही है, इतना बिल्कुल सही है। yes, sir. और माइनस में क्या है, वन है, माइनस में वन ही तो है। yes, sir. अब इस वन को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, वन प्लस यू अपॉन एफ हो जाएगा। यस सर। तो अबे हाँ ये आ गया, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एफ प्लस यू। अब इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, इसका एफ अपॉन एफ प्लस, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया सर। बताओ क्लियर है, कोई डाउट? yes, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे इससे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, या एक मिनट रुको, अभी मत लेना। अभी मैं एक फॉर्मूला और लिख दूं, फिर यहीं बगल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर लेना स्क्रीनशॉट इकट्ठा, ठीक है? yes, sir. अभी मत लो इसको, चलो सुनो। तो वन बाय एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी और माइनस वन अपॉन यू। अब इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ बेटा वी से, अभी देखो यू से था, अब वी से मल्टीप्लाई हो रहा, तो जब मल्टीप्लाई वी से होगा तो फिर जीवन के थोड़े से आनंद आएंगे हमें। वी का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन एफ, और इधर वी अपॉन वी हो जाएगा, और माइनस का वी अपॉन यू हो जाएगा। ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा एक बार, वी से वी कैंसिल हो जाएगा एक बार, वी बन जा वी। याद हो रही टेबल देखो? यस सर। लेकिन वो चीज याद नहीं हो रही जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, जो पढ़ा नहीं रहा हूँ वो याद हो रहा है। यार बहुत ही गलत है यार, मेरी बात सुनो, कल क्या करेंगे हम, पता है? यस सर। कल जब क्लास स्टार्ट होगी अपनी, तो मैं आधे घंटे कम से कम मैं आपसे जो है सारी चीजें पूछूंगा पहले, कम से कम आधे घंटे। आपको पूरा लेंस याद होना चाहिए, लेंस में मैंने जो जो भी पढ़ाया है, लेंस का मतलब आपको पूरा रिफ्लेक्शन याद होना चाहिए, पूरा रिफ्लेक्शन, आपको पूरा रिफ्रैक्शन याद होना चाहिए, मतलब आज यार पढ़ लो पूरा, याद ही होना चाहिए, मतलब समझ लो बस। yes, तो बस यहीं से फिर डिजिटल मुक्के आएंगे, आग में लगे डिजिटल थप्पड़े आएंगे, याद रखियो ये बात को। yes, बात आ गई समझ? तो ये पूरे दोनों याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, सुन लो बस, ठीक है? हाँ तो आप क्या करेंगे इसमें बताओ। क्या होगा बताओ आगे? ये तो v अपॉन f ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा वन और माइनस का v अपॉन u। अब मुझे बताओ आप v अपॉन u को क्या लिखा जाता है, देखो ये लिखा है v अपॉन u को क्या लिखते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, v अपॉन u क्या लिखते हैं यहाँ से, ये देखो लिखा हुआ है m अपॉन वन m, हाँ m ही लिख देंगे, तो v अपॉन f इज इक्वल टू वन माइनस m लिख देंगे उसको बेटा। अब इस m को आप दूसरे साइड शिफ्ट करा दो तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू वन माइनस v अपॉन f, तो ये LCM ले लो, f माइनस v अपॉन f, ये फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी, कोई समस्या तकलीफ? सर फिर वो माइनस एम नहीं रहना चाहिए था? अरे भाई साहब बहुत बढ़िया यार, ये माइनस ही तो है, माइनस ही तो है, ये
दूसरा साइड गया प्लस हो गया, ये यहाँ पे प्लस का है, ये इधर आया तो माइनस हो गया, ये देखो माइनस लगा है। ये वन एज इट इज रहे, ये वन कहीं नहीं गए, ये वन आलसी थे, अरे हम नहीं जा रहे कहीं, ये वन नहीं गए कहीं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से फास्ट। यस ले लिया इसका और लो, ये नीचे फॉर्मूला रह गया। यस सर। डन। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला वगैरह वगैरह सब कुछ, इसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, और लीनियर मैग्नीफिकेशन के ये तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले, एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, सबसे पहले तो हो जाता है एच आई अपॉन एच यू, फिर क्या हो जाता है वी अपॉन यू, फिर हो जाता है एफ अपॉन एफ प्लस यू, और फिर हो जाता है एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये आपके पास इतने फॉर्मूले आ चुके हैं, ये हो गए आपके पास लीनियर मैग्नीफिकेशन के सारे फॉर्मूले। ठीक है, यस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आसान है यार। यस सर। चलेगा, अब यहाँ पे वही है, देखो जैसे मैंने आपको लेंस में बताया था कि अगर, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखिए तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? सर फोकस। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया यार, ऐसे ही याद होना चाहिए ना कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाए, ये क्या हो गया, ई का हो गया, ई का हुई गवा। हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ रखी है इन्फिनिटी पे, तो जो बेटा इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। एफ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला केस। अगर हम दूसरे केस की बात, अबे ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ था, अच्छा ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे केस की बात कर ले रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी है, फोकस पे रखी है, तो अभी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। सिंपल है, बिल्कुल उल्टा हुआ ना एक दूसरे से, देखो। और मैंने आपको याद करो मिरर में बताया भी था एक चीज के ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से लाते हैं राइट साइड में, तो इमेज राइट साइड से जाती है लेफ्ट साइड में, याद आ रहा? याद आ रहा है, याद करो वो दिन, नहीं आ रहा याद? ये सर आ रहा है, आ रहा है? तो क्या ऐसा ही मिरर में भी होता है क्या, सॉरी लेंस में भी ऐसा ही होता है क्या? देखो पता कर लेते हैं, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट को जब आपने इसमें यू की वैल्यू को इन्फिनिटी रखा, तो इमेज हमें पता करना है कि कहाँ बनेगी। चलो रख के देखते हैं, रख के देख लेते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है। तो वन अपॉन एफ, वन अपॉन वी, और यू की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, तो वो तो इन्फिनिटी या कुछ भी लिख दो ये। और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, मैथ पढ़ते हो, बताओ वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, बताओ क्या होता है वन बाई, हाँ बताओ भाई, वन बाई इन्फिनिटी बताओ क्या होता है। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई, जीरो नहीं होता, कितना होता है, जीरो। फिर बता कहे नहीं रहे, क्यों नहीं बता रहे, गुस्सा हो तो? मैं नहीं बताऊंगा सर, मैं नहीं बताऊंगा सर, मैं आपसे गुस्सा हूँ सर, आपने मुझे डांट दिया सर, इसलिए मैं आपसे गुस्सा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा कितना होता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो ये v की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई, इसका मतलब है यार के, सॉरी v की वैल्यू f आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो बनी वो कहाँ बन गई, फोकस पे बन गई। ठीक है, और अगर इसका उल्टा मान लू मैं, क्या उल्टा, इसका उल्टा क्या उल्टा, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है और फिर आपसे बोला गया इन्फिनिटी, सॉरी इमेज की डिस्टेंस आप फाइंड करो,
तो हम फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे बेटे। क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। तो यू की जगह, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्या क्या समस्या आ रही है इसको जो है। यू की जगह आप क्या रखोगे, एफ। लेकिन बात सुनना गौर से, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो भी यू होगा वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ क्यों यस सर, होगा नेगेटिव, क्या वजह है इसके नेगेटिव होने की, व्हाई यू इज नेगेटिव, क्या वजह इसकी। नहीं, वजह तो इसकी ये है कि सर ने बोला था नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव होगा। क्यों, वजह हमको पता नहीं, रियल सर ने बोला है। लेफ्ट साइड पे है क्योंकि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। ऑब्जेक्ट हम जनरली कहाँ रखते हैं, इन जनरल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस और मिरर। ओके, यस इन जनरल हम ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ मानते हैं, दैट्स व्हाई यू विल बी नेगेटिव। ओके, एंड एज यस वी नो दैट यू इज ऑलवेज नेगेटिव, बट वी डोंट कॉल इट ऑलवेज नेगेटिव, वी कॉल इट इट यू इज नेगेटिव इन जनरल, इन जनरल। ओके, बट वी फील दैट यू इज ऑलवेज नेगेटिव। सो अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, तो वन अपॉन वी, और ये माइनस तो पहले से ही था, ये तो गॉड गिफ्टेड है। ये कैसा है माइनस, ये माइनस कैसा है, ये माइनस है गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड का मतलब समझते हो, पहले ही से है वो, यस तो ये तो गॉड गिफ्टेड माइनस है, और ये यू नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस की जगह हो गया प्लस, और यू की जगह हो गया हमारा एफ। अब देखो आप बताओ, ये 1/f, ये 1/f कैंसिल नहीं होगा, हाँ सर, जी बोलो जल्दी से, होगा कैंसिल। यस तो जब ये 1/f 1/f कैंसिल हो गया, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और अगर वन सर, अपॉन वी जीरो हो गया, तो फिर वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/0। ठीक है, यस सर, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो मैंने आपको यही तो अभी बताया था, क्या गलत बताया था, कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दी जाए तो इमेज उसकी इन्फिनिटी पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रख दी जाए तो इमेज उसकी फोकस पे बनेगी। सही है, क्लियर यस सर, हो गया होगा। आप तो बताओ, मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, एक एक चीज का, एक एक चीज का प्रूफ कर दिया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट, यस सर, ले लिया। इसका ऑल लो, नीचे वाले पेज का ही आ गया। हो गया, अरे इतना टाइम लगता है क्या, बोलो जल्दी, हो गया कि नहीं। लिया। ओके, तो वंश, फिर ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अगर इसमें कोई भी एक आध दो चीज रह गई होगी तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर हम। ओके, अच्छा नया चैप्टर क्यों स्टार्ट करेंगे, हमारा ह्यूमन आई चल रहा था ना, तो अभी वो कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो नो ह्यूमन सर, आई को कंप्लीट करेंगे फिर। ठीक है, पहले इसमें मैं देख लूंगा, अगर इनकेस कुछ एक आध दो चीज रह गई होंगी तो वो मैं बता दूंगा आपको, और वैसे मेरे ख्याल से रह तो नहीं गया है, मैंने ज्यादातर चीजें आपको बताई दी हैं, देख लूंगा एक बार तब भी। और क्या कहते हैं कि ह्यूमन आई जो हमारा चल रहा था, कंटिन्यू था पहले, तो ह्यूमन आई को अब हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, उसको फिनिश करेंगे। ठीक है यस भाई, सर, तो चलते, चलो फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में यार, और क्या है। यस सर।